विवेक शौक एक ऐसा एक्टर जो अपनी लाजवाब कॉमेडी के लिए मशहूर था। अरे मैंने खुद ऑस्ट्रेलिया खाई है भाई, फिकर क्यों करता। किरदार चाहे जैसा भी हो, उसने बड़ी ही खूबसूरती से हर किरदार को निभाया। एक तो हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ढोंगी बता रहे हैं। एक लंबे अरसे तक अभिनय की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद आखिर ये कलाकार कैसे इतनी जल्दी इस दुनिया से विदा हो गया, वो क्या वजह थी जिसके चलते इन्होंने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया जिसने इनकी जान ले ली। अंग्रेजी कीती है दादे, मैं पंजाबी भूल जानी। किस्सा टीवी पर आज हम आपको एक दौर के बेहद शानदार अभिनेता विवेक शौक की जिंदगी की कहानी बताएंगे। विवेक शौक की जिंदगी से जुड़ी कई अनसुनी बातें आज हम और आप जानेंगे। यार आप 8 साल बाद मिल रहे हैं, तो तू बिल्कुल उतना होता ही है। पर तू बड़ा मोटा हो गया यार। जा मोटा हो गया। विवेक शौक का जन्म हुआ था 21 जून 1963 को चंडीगढ़ में। कम उम्र में ही इनके माता पिता की मौत हो गई थी। इनके बड़े भाई बहनों ने इनकी देखभाल की और इन्हें पढ़ाई लिखाई कराई। चंडीगढ़ में ही इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई भी इन्होंने चंडीगढ़ के इंडो स्विस कॉलेज से की। कॉलेज के दिनों में इनके दोस्तों ने जिद करके इन्हें अपने साथ कॉलेज में ही होने वाले एक नाटक में शामिल कर लिया। दोस्तों का दिल रखने के लिए इन्होंने उस नाटक में हिस्सा लिया और इनकी एक्टिंग को लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोगों से मिली तारीफ ने इनके भीतर अभिनय को लेकर दिलचस्पी पैदा कर दी। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कॉलेज के बाद भी विवेक शौक ने एक्टिंग करना जारी रखा और चंडीगढ़ में होने वाले थिएटर नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। थिएटर के दौरान ही इनकी मुलाकात महान कॉमेडियन जसपाल भट्टी से हुई और उनसे इनके इतने अच्छे संबंध हुए कि जसपाल भट्टी इन्हें अपना बेटा मानने लगे। जसपाल भट्टी के साथ ही ये पहली दफा दूरदर्शन पर नजर आए कॉमेडी शो उल्टा पुल्टा में। इस कॉमेडी शो को उन दिनों खूब पसंद किया गया था और जसपाल भट्टी के साथ विवेक शौक को भी इस शो से काफी लोकप्रियता मिली। विवेक की कॉमिक टाइमिंग लोगों को भा गई। इस शो के बाद तो विवेक शौक जसपाल भट्टी की टीम का अभिन्न अंग बन गए। 15 की मिल जाएगी? कौन सी क्लास की? एसी स्लीपर। कितनी चाहिए? 4। जसपाल भट्टी के साथ ही विवेक शौक ने दूरदर्शन के मशहूर टीवी शो फुल टेंशन और फ्लॉप शो में काम किया। इत्तेफाक से ये दोनों शो भी दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किए गए। विवेक शौक की एक्टिंग इतनी खूबसूरत थी कि लगता था मानो उन्होंने NSD या FTI जैसे देश के किसी बड़े एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है। जबकि सच तो ये है कि उन्होंने तो शौकिया तौर पर एक्टिंग शुरू की थी और उनकी खुद की मेहनत से उन्होंने अपनी एक्टिंग को इतना नेचुरल बनाया था कि वो बेहद कम उम्र में ही इतने मशहूर हो गए थे। विवेक जब मशहूर हुए तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की नजरें भी इन पर पड़ी। विवेक को फिल्मों में काम करने के ऑफर्स आने लगे। साल 1998 में इन्होंने बरसात की रात नाम की एक फिल्म में बतौर हीरो काम भी किया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही और विवेक का हीरो बनने का सपना भी टूट गया। इसके बाद ही विवेक ने फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। यू आर जीनियस सर। सॉरी सर। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद विवेक शौक ने कुछ और फिल्मों में काम किया। हालांकि उन फिल्मों में इन्हें कोई खास मुकाम हासिल नहीं हुआ, लेकिन साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा में ये नजर आए दरमियान सिंह के रोल में। दरमियान सिंह का किरदार इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ जिया कि वो किरदार फिल्म के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदारों में शुमार हो गया। गदर में ये तारा सिंह यानी सनी देओल के असिस्टेंट और दोस्त बने हैं। दरमियान सिंह तारा सिंह का इतना वफादार दोस्त है कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर तारा सिंह की पत्नी और उसके बच्चे को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए उसके साथ जाता है। दरमियान सिंह के किरदार के हिट होने के बाद तो मानो विवेक शौक की तकदीर ही बदल गई। इनके पास एक से बढ़कर एक रोल्स आने लगे। इनके पास काम की कोई कमी नहीं बची। फिर ये नजर आए ऐतराज, 36 चाइना टाउन, हमको दीवाना कर गए, बर्दाश्त, लाइफ पार्टनर, क्रेजी 4, नन्हे जैसलमेर, वह लाइफ हो तो ऐसी, बरसात, टेंगो चार्ली, कोई मिल गया, किसना, अंदाज, दम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, चैंपियन
और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों में। हिंदी फिल्मों के अलावा विवेक शौक ने कई सारी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। इनकी पहली पंजाबी फिल्म थी इनके गुरु जसपाल भट्टी के साथ माहौल ठीक है नाम की फिल्म। इस फिल्म में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके अलावा ये यारा नाल बहारा, मिट्टी वाजा मार दी, चक दे फट्टे, अपनी बोली अपना देश, लगदा इश्क हो गया, मिनी पंजाब, नलैक, असानू मान वतनादा, जी आयानू और लॉयन ऑफ पंजाब जैसी सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में नजर आए। कुकी वो यार है अपना, जाओ जाओ पाजी आने बतोला मार दियो। नहीं नहीं मैं दिखा देना तुहानू, एक मिनट। साल 2000 के दशक में विवेक शौक की किस्मत उन पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिल रही थी। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों संग स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा था। हर बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में इन्हें लेना चाहता था और इसी दौरान इन्हें टीवी कमर्शियल्स भी मिलने लगे थे। इन्होंने नोकिया, वेस्मॉल, केश काला और HCL कंप्यूटर्स के लिए एडवर्टाइज किए। इसके अलावा और भी कुछ ब्रांड्स थे जिनके लिए विवेक शौक ने काम किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस दशक में विवेक शौक पर देवी लक्ष्मी की मेहरबानी बरस रही थी और उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ रही थी। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब विवेक शौक के सिर पर एक सनक सवार हो गई। एक ऐसी सनक जिसने आखिरकार इनकी जान ही ले ली। दरअसल विवेक शौक का वजन तेजी से बढ़ने लगा था, उनका पेट निकलने लगा था, लेकिन विवेक शौक चाहते थे कि वो टीवी स्क्रीन पर एकदम फिट दिखें किसी हीरो की तरह। विवेक फिट नजर आने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। आखिरकार विवेक शौक ने अपने पेट की लिपोसक्शन सर्जरी कराने का फैसला किया। मुंबई के ठाणे के एक अस्पताल में इन्होंने 3 जनवरी 2011 को लिपोसक्शन सर्जरी करा ली। लेकिन इस दौरान विवेक ने डॉक्टरों से ये बात छिपा ली कि साल 2003 में उन्हें दिल की समस्या हुई थी और उनकी एंजियोप्लास्टी उस वक्त करनी पड़ी थी और तभी से ये एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल नाम की दवा भी खा रहे थे। ऑपरेशन से कुछ हफ्तों पहले से इन्होंने ये दवाइयां खाना छोड़ दिया था और इनकी यही लापरवाही ही इनकी मौत की वजह बनी। लिपोसक्शन ऑपरेशन होने के कुछ ही घंटों बाद विवेक की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही घंटों के अंतराल में विवेक को एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए। इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो इन्हें मुंबई के जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ ये कोमा में चले गए और इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना पड़ा। डॉक्टरों ने तमाम कोशिश की लेकिन विवेक शौक की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 10 जनवरी 2011 को विवेक शौक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। विवेक की मौत के बाद डॉक्टरों को उनकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिली थी। डॉक्टर बेहद हैरान थे कि आखिर विवेक ने उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। जिस वक्त विवेक की मौत हुई थी उस वक्त उनकी उम्र मात्र 47 साल थी। विवेक शौक निरंकारी बाबा के बड़े भक्त थे और उनके मिशन के फॉलोअर भी थे। मौत के बाद इनका अंतिम संस्कार भी मुंबई के निरंकारी मिशन आश्रम में ही हुआ था। विवेक की अंतिम यात्रा में इनके गुरु जसपाल भट्टी भी शामिल हुए थे। वहीं बॉलीवुड में भी इनकी मौत पर मातम पसर गया था। सनी देओल विवेक शौक के दोस्त थे और उन्हें इनकी मौत की खबर से बेहद दुख पहुंचा था। वहीं अक्षय कुमार भी इनकी मौत की खबर से काफी दुखी हुए थे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के भी कई बड़े सितारों ने विवेक के यूं इस तरह चले जाने पर दुख जाहिर किया था। विवेक की मौत पर स्वर्गीय जसपाल भट्टी ने कहा था, मैंने 25 सालों तक विवेक के साथ काम किया। मेरे कई जानने वालों को ये लगने लगा था जैसे कि वो मेरा सगा संबंधी हो। विवेक जब बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। मेरे लिए वो मेरे बच्चे जैसा ही था, मेरे भाई जैसा था, वो मेरा शिष्य भी था। विवेक बेहद मेहनती था। 1984 के सिख दंगों की बात है, चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा था। इत्तेफाक से उसी दिन हमारा एक शूट था जो कि मेरे घर पर ही था। शूट में मेरे और विवेक के ही सीन थे। मुझे लग रहा था कि विवेक नहीं पहुंच पाएगा लेकिन विवेक को अभिनय से इतना प्यार था कि वो कर्फ्यू में भी जैसे तैसे मेरे घर तक
पहुंच गया और हमने वो शूट उसी दिन फिनिश किया। विवेक शौक से जुड़ा एक और किस्सा बताते हुए जसपाल भट्टी ने बताया था, कुछ दिन पहले ही मैं और विवेक फिल्मों और नाटकों के स्क्रीन प्ले के बारे में बात कर रहे थे। फिर अचानक ही मैंने कहा कि दुनिया का हर स्क्रीन प्ले भगवान के बनाए स्क्रीन प्ले के सामने छोटा है। भगवान के स्क्रीन प्ले में ना तो आप अपनी तरफ से कुछ भी फालतू कर सकते हैं और ना ही उसे अपनी तरफ से और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मुझे याद है विवेक मेरी ये बात सुनकर काफी मुस्कुरा रहा था। विवेक शौक की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनके परिवार में इनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। इनकी बड़ी बेटी का नाम साधिका शौक है, छोटी बेटी का नाम मुदिता शौक है, वहीं इनके बेटे का नाम सुनिष्ठ शौक है। इनका परिवार अब भी मुंबई में ही रहता है। विवेक शौक बेहद शानदार इंसान थे और बेहद उम्दा कलाकार थे, लेकिन आज इस महान कॉमेडियन को शायद ही कोई याद करता होगा, मगर किस्सा टीवी और किस्सा टीवी के सभी दर्शक इस महान अभिनेता को हमेशा सम्मान देंगे और अपनी यादों में जिंदा रखेंगे। जय हिंद।